आज का हमारा वीडियो लैटिन मैक्सिम्स से रिलेटेड है, जो लीगल में लैटिन मैक्सिम्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो फ्रेजेस एंड मैक्सिम्स हैं, ये एलएलबी से रिलेटेड कोर्सेज में और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उसके अंदर ये लीगल मैक्सिम्स आते हैं ज़रूर से, और कई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी ये आते हैं। तो इनका आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है। फर्स्ट देखेंगे हम इसमें ए प्रायोरी। ए प्रायोरी मीन्स डिडक्टिव फ्रॉम अर्लियर ओरिजिनल और एंसिडेंट, ठीक है। क्या मीन है इसका? अ प्रायोरी मीन्स डिडक्टिव फ्रॉम अर्लियर ओरिजिनल और एन एंसिडेंट, मतलब हिंदी में इसे बोला जाएगा कारण कार्य तर्क, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। जैसा कि पता चल रहा है बैचलर्स है, मीन्स ऑब्वियस है कि वो अनमैरिड है, इसलिए वो बैचलर है, और बैचलर है इसीलिए वो अनमैरिड है, ठीक है। ये किसे प्रूफ करता है? अप्रायरी को। प्रायरी यही कहता है डिडक्टिव फ्रॉम अर्लियर ओरिजिनल और एंसिडेंट, कारण कार्य तर्क। जो बैचलर है वही अनमैरिड है, और जो अनमैरिड है वही बैचलर है, ठीक है। इसलिए ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ठीक है। अब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से, पहले से ही, प्रारंभ से ही, ठीक है, जो चीज़ पहले से ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट इज कंसीडर्ड टू बी वॉइड। अब इनिशियो, ठीक है, वॉइड मतलब व्यर्थ, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके स्टार्टिंग में कुछ ऐसे वो थे जो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को कंप्लीट नहीं कर रहा था, जिससे कि वो वॉइड हो रहा था। तो वो स्टार्टिंग से ही क्या था? अब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वो व्यर्थ था, वॉइड था, दैट इज अब इनिशियो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्ट इन पेस, अ जुडिशियल और अदर एक्ट परफॉर्म्ड आउट ऑफ कोर्ट एंड नॉट अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मीन्स अ जुडिशियल और अदर एक्ट परफॉर्म्ड आउट ऑफ कोर्ट, मतलब जो भी कोर्ट के बाहर, मतलब जो भी कोर्ट के बाहर कार्य किए गए हैं वो एक्ट इन पेस है, ठीक है। नॉट अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। फॉर एक्सिस एक्सियो पर्सोनलिस मॉरिचर कॉमा पर्सोना, मीन्स अ पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द डेथ ऑफ द पर्सन। एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो उसके जो मृत्यु के साथ है वही वहीं के वहीं समाप्त हो जाते हैं, मतलब कार्यवाही का जो व्यक्तिगत अधिकार होता है वह व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही द एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसके ऊपर डिफेमेशन का केस लगा हुआ है, मानहानि का दावा किया हुआ है, ठीक है, बी ने, ठीक है। ए जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका केस था, जो उसके ऊपर केस किया गया था, वो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया, क्योंकि केस तो इस व्यक्ति के ऊपर किया हुआ था, ये व्यक्ति समाप्त हो गया, तो उसके आगे कार्यवाही का मतलब नहीं है, ठीक है। सर एक्सेप्शंस भी हैं जिन पर खरा नहीं उतरता है, वो एक्सेप्शंस हम बाद में केस के अंदर रीड करेंगे, ठीक है। एक्टस क्यूरे नैमी नैमी ग्रेविबिट, मीन्स एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रिजुडिस नो वन, मीन्स न्यायालय के कार्य कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, कभी किसी की हानि नहीं होती न्यायालय। नेक्स्ट इज एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मैंस सेट्रिया, मीन्स द एक्ट इट्सेल्फ डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंट। एक एक्ट तब तक क्राइम नहीं है जब तक कि उसका गिल्टी इंटेंट नहीं रहा हो। एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मैंस सेट्रिया मीन्स द एक्ट इट्सेल्फ डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंट। मीन्स एक एक्ट तब तक उसे अपराधी नहीं बनाता किसी व्यक्ति को जब तक कि उसका इंटेंट गिल्टी नहीं रहा हो। मीन्स
उसका मन भी अपराधी नहीं रहा हो, तब तक कि वो अपराधी नहीं बनता है। क्या कह रहा है ये? एक्टस रियस मीन्स, एक्टस रियस मीन्स रॉन्ग एक्शन, ठीक है, एंड मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। जब तक कि गिल्टी माइंड और रॉन्ग एक्शन दोनों नहीं होंगे, तब तक वो अपराध नहीं होगा, तब तक वो क्राइम नहीं होगा। इसलिए अपराधी तब तक अपराधी नहीं बनता जब तक कि उसका गिल्टी इंटेंट ना रहा हो, ठीक है।